अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगी। तो ये देखें कल मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बकरी के साथ इन डोगियों ने बहुत जुल्म किया है। तो कल शाम के टाइम, मगरिब के टाइम, मैं ना ये परिंदों को दाना देकर अपनी गोट को और ऊपर लेकर जा रही थी। और अक्सर मैं इसको इधर सारा दिन, ये इधर रहती है, खाती पीती है, तो रात के टाइम मैं इसे उधर ऊपर अपने पास ले जाती हूँ। तो मैं जैसे ही ताला लगा रही थी, ये भागकर उधर आगे गई, तो डोगियों ने इसके ऊपर अटैक किया। जब मैं ताला लगाकर फारिग हुई, तो मैं अपनी बकरी को ढूंढ रही कि मेरी बकरी किधर गई है। तो मैंने आगे जाके एक प्लाट छोड़कर दूसरी तरफ में भागकर जब गई, तो देखा तो दो डोगी पीछे लगे हुए थे। एक डोगी ने इसकी गर्दन पे अटैक किया हुआ था। तो मुझे इतना, मैं उस वक्त अकेली थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मेरे पास एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठा के मैंने डोगियों को कैसे भगाया। डोगी छोड़ ही नहीं रहे थे। और मेरी ये, मेरे साथ ये था कि भी मेरे बच्चे सारे अकेडमी गए हुए थे, मैं अकेली थी, मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। तो मैं इसको बहुत मुश्किल से वहाँ से डोगियों से, एक मुझे भी अपना खतरा था कि डोगी मुझे भी ना पकड़ ले, तो मैं बहुत मुश्किल से इस बकरी को उधर से ना डोगियों से बचा कर इधर मैं उठा कर लाई। तो मैंने ना इसको इधर हवेली में रख दिया और अपने सारे परिंदों को अकेली ने मैंने बंद किया कि ये जो मेरे मुर्गियाँ वगैरह, ये इसके जो डोगियों ने इसके जख्म किए हैं, तो इनके ऊपर ना ये हमला कर दें। तो मैंने इसको, बकरी को इधर ही रख दिया। तो रात के टाइम मेरे बच्चे जब आए, तो यकीन करें उनको जब पता चला ना कि हमारी बकरी के साथ ये हालत हुई, मेरे बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। मेरा खुद दिल नहीं चाह रहा था कि भी मैं खाना खा लूँ, कुछ भी नहीं खाया। हमारी वैसी रोटियां वगैरह सारा कुछ वैसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। लेकिन इसका हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस, ये आज तक कभी भी इसने ऐसी गलती नहीं की, और ये कल इसने कैसे ऐसे कर लिया कि भी मैं इधर ताला लगा रही थी परिंदों को, और ये भाग कर आगे चली गई है। तो ये कैसे गई है? मैं तो इसे ऊपर ले जा रही थी बकरी को, पता नहीं इस बेचारी की किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था, क्या चक्कर था, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक गड़ा सा बड़ा सारा बनाती हूँ, उसके अंदर इसको मैं दफनाती हूँ। अब मैंने बाहर नहीं दफनाना, बाहर वो कुत्ते अभी उस जगह पे बार बार चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब हमने ना उन कुत्तों का भी कोई हाल करना है। कल को मोहल्ले के किसी बच्चे पे ना वो अटैक कर दें, बहुत जालिम कुत्ते हैं, उनके बीच में अच्छी कुतियाँ भी शामिल थी। अच्छी कुतिया पे से तो हमारा एतबार उड़ गया, क्या वो हमारे घर की रखवाली करती है, उल्टा कुत्तों के साथ मिलकर हमारे जानवरों का नुकसान वो पहुँचाती है। उस दिन मुर्गे को मैंने उससे बचाया, तो मुझे इसका बहुत दुख है। एक डोगी देखे, ये यहाँ पे इसने गर्दन को पकड़ा हुआ था, और दो डोगी ये देखे, ये पीछे इसकी दो टांगे पकड़कर इसे खींच कर लेकर जा रहे थे। तो मैंने बहुत मुश्किल से, यकीन करें मैंने कभी भी इतनी, मेरे में हिम्मत नहीं आई। और कल तो मैं ऐसे हिम्मत, मैंने अपनी जान की भी नहीं परवाह की, मैंने कहा मैं इसको छुड़ा लूँ। लेकिन फिर जब मैंने इसको बचाया, मैंने इधर हवेली में रखा, तो इधर हमारे हमसाया, मैं उनके घर गई कि किसी तरीके से इस बेचारी को ज़िबा कर दें, इसकी धड़कन चल रही है। तो कुदरती वो भी घर नहीं थे, उनको भी ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत, यकीन करें, इसकी टेंशन हुई, मुझे बहुत दिल से इसका दुख हुआ। अगर ये बीमार होती, वैसे मर जाती, तो फिर मुझे इतना दुख नहीं होना था। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि कोई दरिंदों ने मेरे सामने इस बेचारी को तड़पाया है, और ये बेचारी इतनी सिसक रही थी। तो मैंने इसको इधर ला के मैंने बिठाया, अगर थोड़ा सा जख्म होता तो शायद कोई पट्टी शट्टी करने से ठीक हो जाती। आपके सामने मेरी डग के ऊपर भी उन्होंने, उसी कुत्ते ने ही हमला किया था, जो मैंने उसकी इतनी केयर की, वो तो माशाल्लाह ठीक होगी। अगर थोड़ा सा इसकी टांग का कोई मसला होता तो ये मेरी बकरी बच जाती। लेकिन अफसोस, अफसोस के साथ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किस जगह ये भाग कर गई है और किस जगह डोगियों ने इसके ऊपर हमला किया है। तो ये इधर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको ताला लगा रही थी, वो सामने उधर प्लाट में वहां पे डोगी बैठे हुए थे, और ये ऐसे सीधी भागकर, और ऐसे सीधी ये भागकर उधर गई है। तो वहां पे डोगियों ने इसको पकड़ा है। तो हमने इसका गड़ा बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरे परिंदे, इनको भी मैंने इधर बंद किया, हालांकि ये रात को खुले होते हैं। इधर भी ये सारे, ये देखे, मैंने इन सारों को बंद किया हुआ। तो अब मैं इनको खोलती हूँ, पहले मैं यहाँ पे गड़ा खोद लेते हैं, इसको हम दफनाते हैं, तो फिर हम ना इन परिंदों को खोलकर दाना पानी देते हैं। अमजा चलो जाओ, अमजा ऐसे करो, ये आपसे गड़ा नहीं इतना बनना, चाचू को बुला लाओ, वो यहाँ पे हमें गड़ा बना दे, तो हम इसको, बकरी को ना दफना दें इसके अंदर। तो इसको हम यहाँ अपनी हवेली में ही दफनाएंगे, बाहर हम नहीं दफनाएंगे, क्योंकि वो कुत्ते इतने जहरीले हैं, कभी फिर सूंघ के इस बेचारी को निकाल ना ले। तो यहाँ बड़ा सारा इसको बनाते हैं गड़े को, और इसके अंदर इसको दफना कर मिट्टी डालते हैं। तो ये मैंने इतना बड़ा ये गड़ा बनाया है, अब इसके अंदर हम बकरी को डालकर ऊपर अच्छी तरह मिट्टी डालते हैं, ताकि परिंदे इसको निकाले ना। चलो ऑटो दवा फातिमा, उसे उठा कर लाती हूँ बकरी को।
तो ये मैंने अपनी गोट को यहाँ पे दफना कर इसके ऊपर मट्टी डाल दी है। अभी ये सारी मट्टी मैं इसके ऊपर डालूंगी अच्छी तरह, ताकि ये जो मेरे मुर्गे वगैरह ना ये सूंघ के ना उसे निकाल लें। लेकिन गड़ा तो इतना काफी गहरा मैंने बनाया है और उसके अंदर मैंने डाली है, तो उम्मीद तो नहीं है कि ये निकालेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं और अच्छी तरह कर देती हूँ। चलो आप तो निकल जाओ यहाँ से, अब चलो निकल जाओ। चलो शाबाश भगो, अभी दूसरियों को भी निकालती हूँ, अभी ये कर लेती हूँ ना। अब दबाव फातिमा, जब भी इधर हवेली में आओगी ना, तो यहाँ पे इस जगह पे नहीं चढ़ना, ठीक है? और ना ही यहाँ पे तुमने बैठ के, हाँ नहीं इस जगह नहीं आना, और ना ही तुमने ना इस जगह पे बैठ के खेलना है, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है ना, जब तुम इधर हवेली में आती हो तो ये मैं पौधे भी इसीलिए लगा रही हूँ मैं कुछ लग। तो अब मैं इसी के साथ ही अपना एंड करती हूँ। मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर याद से करना। अल्लाह हाफिज़।